चंडीगढ़ से नगर निकाय चुनाव को लेकर संशय बरकरार है क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बीसी रिजर्वेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि सरकार का बीसी रिजर्वेशन फॉर्मूला ठीक नहीं है। मराठा रिजर्वेशन के फैसले के खिलाफ फॉर्मूला, अभी नगर निकाय चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अगली सुनवाई पर दरअसल सरकार को जवाब देना है। तो अगली जब सुनवाई होगी अदालत में तो सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। तो 48 नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव होने हैं, अभी संशय है क्योंकि ये मामला बीसी रिजर्वेशन का मामला अदालत चला गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया है कि सरकार का बीसी रिजर्वेशन फॉर्मूला ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो कि अप्रैल के अंत में चुनाव होने थे और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि तारीख का ऐलान कर दिया गया है, खबरों तक पर जानकारी दी गई थी, लेकिन अब खबर ये है कि अभी संशय है, हो सकता है कि अभी निकाय चुनाव की तारीखें या तो टल जाएं, पोस्टपोन कर दिए जाएं। तो नगर निकाय चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अगली सुनवाई पर सरकार को जवाब देना है। याचिकाकर्ता के वकील देवकरण दलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिए दीप कमल जी, आपका स्वागत है। तो दीपकरण जी स्वागत है आपका, धन्यवाद जी। आप विस्तार से बताएं कि क्या कुछ पक्ष रखा गया है और याचिका में क्या कुछ कहा गया है। हमने एक याचिका दायर करी हुई है जिसमें नगर निगम में और स्थानीय निकायों के अंदर पिछड़ी जाति का जो सरकार ने आरक्षण किया 2019-20 में, उसको हमने चुनौती दी थी क्योंकि वो आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और दूसरी बात हमारा ये है कि सरकार के पास कोई भी आंकड़ा नहीं है कि पिछड़ी जाति कितनी जनसंख्या है जिनको वो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दे सकते। तो क्योंकि पिछले दिनों चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा करी गई कि अप्रैल महीने में हम चुनाव सरकार कराने जा रहे, तो आज हमने ये एप्लीकेशन लगाई कि भाई चुनाव पर रोक लगाई जाए जब तक यात्रा कारण हो जाता। आज जब वो एप्लीकेशन की सुनवाई पर, तो सरकारी वक्त ने ये कहा कि सरकार की तरफ से अभी कोई चुनावी कार्यक्रम जारी नहीं किया जी, के महीने में चुनाव जांच कराने। और कोर्ट तरफ से ये बात आई मौखिक रूप में कि सरकार का जो ये आरक्षण है पिछले वर्ष का जनसंख्या के आधार पर, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अच्छा। तो सरकार को कोर्ट से सरकार को हमारी याचिका जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जवाब को कहा है। ठीक, अगली तारीख से पहले पहले सरकार का जवाब आएगा। अच्छा, अगली तारीख क्या दी गई है और अगली तारीख तक अगली तारीख अपडेट नहीं हुई है स्टेटस में, वो शायद शाम तक अपडेट होगी। ठीक है, तो शाम तक इस पर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया दलाल जी, आपने विस्तार से बताया कि क्या कुछ अदालत में हुआ के, अदालत की ओर से मौखिक तौर पर क्या कहा गया के, और साथ ही सरकार को अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखना के। अनिल मोर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। अनिल, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, चूंकि निकाय चुनाव को लेकर तो एक तरफ तैयारियों का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन अब कहीं ना कहीं संशय बन गया इन चुनाव को लेकर। देखिए ज्योति सांगवान, जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव भी काफ़ी डिले चल रहे हैं, हाईकोर्ट में उस पर भी सुनवाई चल रही है। उस केस में भी जो पंचायत चुनाव का जो केस है, याचिकाकर्ताओं के वकील दीप करण दलाल, और अब जो नगर निकाय संस्थाओं के जो चुनाव होने हैं, दरअसल जो हरियाणा के जो राज्य चुनाव आयुक्त था उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था, खबरें अभी तक ने भी खास बातचीत की थी। उस दौरान जो कहा गया था कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हरियाणा में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में चुनाव करवाए जाएंगे, ये बात कही गई थी। उसके बाद ये याचिका लगाई गई और याचिका के जरिए कहा गया कि जो हरियाणा में जो चुनाव आयोग है चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में 48 नगर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। उस चुनाव के लिए जो एक फॉर्मूला सरकार की तरफ से बनाया गया बीसी रिजर्वेशन का चेयरमैन को लेकर, वो फॉर्मूला ठीक नहीं है, ये इस याचिका के जरिए लगाई गई है याचिका। और कहना कि जो सरकार का फैसला है बीसी रिजर्वेशन का, उस फैसले को चुनौती यहां पर दी गई। हालांकि जो आज सुनवाई
सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो सरकारी वकील पेश हुए, सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि फिलहाल चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, ये सरकारी वकील की तरफ से कहा गया। फिर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो हरियाणा सरकार अगली तारीख पर अपना पूरा का पूरा पक्ष रखे, अपना जवाब रखे, क्योंकि जो याचिकाकर्ता के वकील है इनकी तरफ से कहा गया कि सरकार ने जो बीसी आरक्षण का फॉर्मूला बनाया गया जिसके तहत जो नगर निकाय संस्था है जहां पर चेयरमैन बनने हैं वो फॉर्मूला ठीक नहीं है, जो फॉर्मूला सरकार ने तय किया गया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है मराठा रिजर्वेशन का, उस फैसले के खिलाफ ये हरियाणा सरकार का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनता है। तो ऐसे में जो हरियाणा सरकार ने बीसी रिजर्वेशन का फॉर्मूला बनाया इस पर रोक लगाई जाए, रोक लगाने की मांग यहां पर इस याचिका के जरिए की गई है। हालांकि फिलहाल सरकारी वकील की तरफ से यही कहा गया कि फिलहाल चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि जो हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त है उनकी तरफ से बयान दिया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में चुनाव करवाए जाएंगे। तो ऐसे में उस बयान को आधिकारिक तौर पर माना जाए, फिर उस आधार पर जो हरियाणा सरकार ने पहले ही फैसला ले रखा बीसी आरक्षण का, उस फैसले को निरस्त किया जाए, ये मांग याचिकाकर्ता की तरफ से की गई है। अब हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार से उनका पक्ष जाना गया, अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाना है। अनिल, आपने शुरुआत में कहा कि पंचायत चुनाव भी अब तो कह सकते हैं कि अदालत में है, मामला तो ठंडे बस्ते में चले गए हैं, कहीं ना कहीं वहां इंतजार है कि कब होंगे, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर सरकार का ये प्रयास तो जरूर होगा कि जल्द से जल्द सुनवाई हो मामले में, जल्दी जल्दी तारीखें मिले ताकि निकाय चुनाव उतने डिले ना हो। देखिए, इसमें एक बात महत्वपूर्ण बन जाती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, उसमें भी जो वकील है दीप करण दलाल है और उस केस में भी वकील जो दीप करण दलाल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही केस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पंजाब पंचायत चुनाव वो पहले ही डिले चल रहे हैं, उसको भी जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो नए नियम बनाए गए थे उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, और अब जो ये नगर निकाय चुनाव है, जिस तरीके से खबर आई थी कि जो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जो नगर निकाय चुनाव है 48 जगहों पर नगर निकाय चुनाव होने, फिर उसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से एक कहीं ना कहीं अपील की गई है, याचिका लगाई गई, उसमें कहा गया जो हरियाणा सरकार ने जो फॉर्मूला बनाया बीसी आरक्षण का वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला है, मराठा आरक्षण का फैसला है, उस फैसले के खिलाफ ये जो हरियाणा का फॉर्मूला है वो बनता है। तो ऐसे में अब ये लगभग लग रहा है कि क्योंकि फिलहाल अगली तारीख तय नहीं हुई, अगली तारीख पर हरियाणा सरकार को जवाब देना है, उस हिसाब से फिर देखना होगा कि क्या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट हरियाणा सरकार के जवाब से संतुष्ट होती है। अगर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट हरियाणा सरकार के जवाब से संतुष्ट होते हैं तो फिर संभावना बन जाती है कि जो नगर निकाय चुनाव है वो अपने समय पर होंगे, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होंगे। अगर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट हरियाणा सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो नगर निकाय चुनाव उन पर संशय के बादल अपने आप बन जाते हैं, फिर संभावना बन जाएगी कि जो नगर निकाय चुनाव है वो भी और ज्यादा डिले हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अनिल, पूरी जानकारी आपने दी।